नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज चर्चा करेंगे अनुशासनिक कार्यवाही के फल स्वरूप दिए जा सकने वाले दंड या शास्तियों के बारे में। शास्तियों को पेनल्टीज भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 में नियम संख्या 3 में शास्तियां लिस्टेड हैं। दो प्रकार की शास्तियां होती हैं, लघु शास्तियां और दीर्घ शास्तियां, अर्थात माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज। तो जो लघु शास्तियां, आइए पहले उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली लघु शास्ति है परिनिंदा, इसको अंग्रेजी में सेंसर एंट्री भी कहते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि कुछ अधिकारी भर्त्सना या ऐसा कुछ लिख देते हैं। डिफरेंट कोर्ट्स ने कहा है कि आप जो शास्तियाँ नियमावली में उल्लिखित हैं उन्हीं में से शास्ति आरोपित की जाएगी, अपने मन से नहीं। किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना, इसका अस्थायी प्रभाव होता है। किसी दक्षता रोग को रोकना, अब दक्षता रोग जो नवीनतम वेतन मान है उसमें तो दक्षता रोग की व्यवस्था ही समाप्त हो गई है, उसकी वजह से ये दंड अर्थात दक्षता रोग को रोकना ये अब अव्यवहारिक हो गया है, लेकिन नियमावली में है, हो सकता है आने वाले वेतनमानों में फिर से ईबी या दक्षता रोग की व्यवस्था हो जाए, लेकिन अभी नियमावली में लिखा है। चौथी लघु शास्ति है शासकीय क्षति को पूर्णतः या आंशिक रूप से वेतन से वसूलना। पांचवी समूह घ यानी चतुर श्रेणी के मामले में जुर्माना अर्थात फाइन, लेकिन इसमें एक शर्त है, ये वेतन के 25% से अधिक नहीं होगा। कौन से वेतन से? जिस माह में कटौती होगी, जुर्माना लगेगा, उस माह के वेतन से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। 8 अगस्त 2014 को एक लघु शास्ति और ऐड की गई है, एक अमेंडमेंट हुआ और एक लघु शास्ति बढ़ा दी गई। 2014 से पहले यही 5 थी, जो ऐड हुई है उसका नाम है अवचार या अंग्रेजी में मिसकंडक्ट। कुछ मित्र कहते हैं ये अवचार क्या होता है, मिसकंडक्ट क्या होता है, मिसकंडक्ट तो पूरा ही है, लेकिन यहाँ का मतलब क्या है वो समझते हैं। 2014 में ऐड हुआ, उसमें कहा गया यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत स्थल के परिभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी से की जाती है। देखिए, एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक 2013 का अधिनियम भी है जिसमें आंतरिक समिति बनती है, इंटरनल कमेटी। पहले उसका नाम था आंतरिक शिकायत समिति, बाद में एक अमेंडमेंट हुआ उसका नाम हो गया आंतरिक समिति। तो मान लीजिए वहाँ कंप्लेंट की है और वहाँ के साथ साथ नियुक्ति प्राधिकारी को भी कंप्लेंट कर दी, तो यदि नियुक्ति प्राधिकारी जाँच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है गठित करता है, तो ऐसी शिकायत समिति की रिपोर्ट या निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकते हैं और फिर पृथक से जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऐड हुआ है अगस्त 2014 में। अब देखते हैं दीर्घ शास्तियां क्या हैं। सबसे पहली दीर्घ शास्ति या मेजर पेनल्टी है संचयी प्रभाव अर्थात स्थायी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकना। किसी निम्नतर पद या श्रेणी अर्थात ग्रेड या समयमान वेतनमान में अवनति, रिडक्शन इन रैंक, अथवा किसी समयमान वेतनमान में किसी निम्नतर प्रक्रम लोअर स्टेज पर अवनति करना। तीसरी मेजर पेनल्टी है सेवा से हटाना रिमूवल, जो भविष्य में नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्हरित का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई न करता हो। अगला है सेवा से पदच्युति, ये सबसे बड़ा दंड है, डिसमिसल जिसका होता है वो सरकारी सेवक भविष्य में नियोजन के लिए निर्हरित हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कुछ अपवाद देख लेते हैं।
जिनको दंड नहीं माना जाता। किसी विभागीय परीक्षा में विफल रहने पर अथवा सेवा नियमों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर वेतन वृद्धि का रोकना, ये दंड नहीं है। दक्षता रोक प्राप्त करने के लिए उपयुक्त न पाए जाने के कारण दक्षता रोक के स्तर पर वेतन का रुक जाना, ये भी दंड नहीं है, हालांकि ये आजकल के वेतनमानों में नहीं। परिवीक्षा अवधि अर्थात प्रोबेशन पीरियड के दौरान या उसके समाप्त होने पर अर्थात परिवीक्षा में सेवा संतोषजनक न पाए जाने पर सेवा नियमों के अनुसार सेवा में प्रत्यावर्तन रिवर्शन, ये भी दंड नहीं है। उपयुक्त अवस्था में सेवा की समाप्ति अर्थात टर्मिनेशन, जो ऊपर की अवस्थाएं बताई, अस्थाई सरकारी सेवक सेवा समाप्ति नियमावली के अंतर्गत नोटिस देकर सेवा की समाप्ति टर्मिनेशन, कभी कभी छटनी हो जाती है ना, तो ये सब दंड नहीं है। एक बात और, चेतावनी भी दंड नहीं है। चेतावनी दिया जाना दंड नहीं है, और डिफरेंट कोर्ट्स ने कहा है दंड वही दिए जाने चाहिए जो नियम 3 में लिस्टेड हैं। अपने मन से दंड नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसा डिफरेंट कोर्ट्स ने समय समय पर कहा है, और शासन उत्तर प्रदेश शासन ने समय समय पर जारी अपने मार्गदर्शन में भी ऐसा कहा है। तो आज यहाँ रुकेंगे। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आएँ आप तक पहुँच जाएँ, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाएँ। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।